हाय गाइस, वेलकम टू स्वाद का सार कुकिंग चैनल। और आज हम बना रहे हैं हक्का नूडल। हम बना रहे हैं ये हक्का नूडल चिंग्स का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। ये 2 ग्लास पानी है क्योंकि हम 2 पैकेट बना रहे हैं। ये चिंग्स का वेज हक्का नूडल्स लिया है हमने 2 पैकेट, तो हम इसे निकाल लेते हैं। तरह से निकाल लेंगे और पानी बॉईल होने को चढ़ा दिया है। अभी ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, इसे थोड़ा और बॉईल होने देंगे। देखिए नीचे हल्का हल्का बॉईल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच तेल। थोड़ा सा और होने देंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे नूडल्स। इसे बॉईल होने देंगे, इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे थोड़ी देर बाद ऐसे चला देंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे बॉईल होने में, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बीच में हल्का हल्का चलाना है और बॉईल आने का वेट करना है। 80% बस कुक करेंगे, अभी थोड़ा सा और कुक करेंगे। जब एकदम अच्छे से बॉईल आने लग जाए इसमें, तो हम गैस ऑफ करके इसे स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए एक तरफ से बहुत अच्छे से बॉईल आ रहा है, इस स्टेज पे ये हो जाता है। इसे आप चाहें तो ऐसे तोड़कर भी चेक कर सकते हैं, ओवर कुक ना हो। अब हम गैस ऑफ करके इसे एक छन्नी में छान लेंगे। तो हमने इसमें छान लिया है और इसे ठंडे पानी से भी 2 बार धो लिया है। नीचे एक बर्तन रख के उसके ऊपर इसे ऐसे रख दिया है छन्नी में ही, और इसे कांटे चम्मच से फैला फैला के थोड़ी देर छोड़ देंगे। तब तक हम सब्जियों की तैयारी करेंगे जो हम इसमें डालने वाले हैं। हमने यहाँ पर लिया है 1 शिमला मिर्च लंबा लंबा काट कर, स्प्रिंग अनियन लिया है 3, वाइट पार्ट बस लिया है, अदरक लिया है 1 चम्मच, और लहसुन कुछ कूट कर लिए और कुछ छोटे छोटे चॉप करके भी लिया, और गाजर लिया है। तो हम कढ़ाई को गर्म कर रहे हैं और एकदम अच्छा धुआं आने तक गर्म किया है। इसके बाद इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें डालेंगे सबसे पहले लहसुन। दोनों लहसुन डाल दिया है कूटा हुआ और काट कर जो रखा था। इसके बाद इसमें अदरक भी डाल देंगे। इसे थोड़ा चलाएंगे और तुरंत ही इसमें हम स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल देंगे और शिमला मिर्च भी डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से चला लेंगे और थोड़ा सा कुक होने देंगे। 1 मिनट हो गया है, अब इसमें गाजर डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा कुक करेंगे। एक से 2 मिनट तक इसे कुक करेंगे हम। देखिए ये अच्छी तरह से हो गया है, भून गया है पूरा। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना हक्का नूडल। हक्का नूडल हम धीरे धीरे डाल रहे हैं, और हक्का नूडल को डालने के पहले थोड़ा थोड़ा गीले हाथों से आप ऐसे ऐसे फैला लेंगे तो वो बहुत अच्छे से डलेगा, नहीं तो वो एक ब्लॉक की तरह बन जाएगा। तो उसे ध्यान से डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स करना है, फ्लेम थोड़ी देर कम थोड़ी देर ज़्यादा ऐसे करते रहना है। 1 चम्मच डाल दिया है सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर 1/2 चम्मच के करीब, और इसमें 2-3 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे। अब नमक डाल दिया है 1 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और मेरे पास है ये नूडल सीजनिंग मसाला, इसे मैंने डाल दिया 1 बड़ा चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना ड्राई करना चाहते हैं उतनी देर आप इसे मिक्स करके पका सकते हैं। देखिए ये मिक्स हो गया अच्छी तरह से, ध्यान से करेंगे ताकि टूटे ना। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है
हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और फिर से इसे मिक्स कर देंगे। ये लगभग हो चुका है, इसे और मिक्स कर देंगे और फिर इसे सर्व करेंगे। तो हम एक सर्विंग प्लेट में इसे सर्व कर रहे हैं। ये खाने में चाउमीन से थोड़ा अलग लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। रेसिपी जरूर ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 पैकेट हक्का नूडल से बहुत सारी क्वांटिटी बनी थी, अब चाहें तो 1 पैकेट से ये बनाकर देखें, क्योंकि मैंने बनाया तो बहुत सारा बन गया था। खाने में बहुत टेस्टी था, अब ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।